वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों. आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन. इनका कहना है जब दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं कि एक ही कंपाउंड बने. दो एलिमेंट रिएक्ट करने पे एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं. एग्जाम्पल देखें कि ये कह रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन की, तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी. बच्चों इस कार्बन मोनोऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन. यहां भी 12 ग्राम कार्बन है लेकिन O2 की वजह से 32 ग्राम ऑक्सीजन. यानी कार्बन का वेट यहां पे फिक्स है और ये जो ऑक्सीजन के दो अलग अलग वेट्स आए हैं इसको हमने कह दिया बेटा वेरिएबल है. और जब फिक्स वेट के से वेरिएबल वेट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो इन वेरिएबल वेट्स में भी आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा. तो इस लॉ को हम ऐसे कह रहे हैं कि जब दो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनेंगे. एक एलिमेंट का फिक्स्ड वैल्यू दूसरे एलिमेंट की वेरिएबल वैल्यू से रिएक्ट करेगा और इन वेरिएबल वैल्यूज में भी आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा. तो तीन स्टेटमेंट कह लीजिए या एक स्टेटमेंट की हमने तीन पार्ट्स कर दिए हैं कि दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड, पहला पार्ट. एक एलिमेंट का फिक्स्ड वेट दूसरे एलिमेंट का वेरिएबल, दूसरा पार्ट. और इन वेरिएबल वेट्स में भी सिंपल होल नंबर रेशियो होगा. दूसरा एग्जांपल देखिए, सपोज सल्फर है और ऑक्सीजन है. सल्फर और ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है. यहां बेटा सल्फर का जो वेट है वो है 32, ऑक्सीजन के दो एटम्स का वेट 32, ऐसे ही सल्फर का वेट 32 और ऑक्सीजन के तीन एटम्स का वेट 48. दो एलिमेंट्स ने रिएक्ट किया, एक से ज्यादा कंपाउंड बन गए. एक एलिमेंट का फिक्स वेट है, दूसरे का वेरिएबल है और इन वेरिएबल वेट में सिंपल होल नंबर रेशियो है. 16 से दोनों को डिवाइड किया, 2 और 3 आ गया. तो ये प्रूफ हो रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. बच्चों नाइट्रोजन ऑक्सीजन फेवरेट एग्जाम्पल. नाइट्रोजन ऑक्सीजन से N2O भी बनता है, N2O2 भी बनता है, N2O3, N2O4 और N2O5. बच्चों यहां नाइट्रोजन सब में 28 ग्राम ही है इसीलिए मैंने सबको N2 के टर्म्स में लिखा था. ऑक्सीजन 16 है, फिर 32 है, फिर 48, 64 और 80 है. और यहां ये फिक्स्ड वेट है 28, ये वेरिएबल्स हैं. इन वेरिएबल का अगर एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकालें तो ये आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5. तो दो एलिमेंट जब रिएक्ट करेंगे तो क्या एक ही कंपाउंड बनेगा? ना, एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं. एक एलिमेंट का फिक्स वेट होगा, दूसरे का वेरिएबल होगा और ये वेरिएबल वेट्स भी आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करेंगे. बच्चों इसी को बुक्स में एक ही सेंटेंस में कहा गया है. That is, लैंग्वेज में वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हो जाएगी. सोच के देखिए, बुक में कहा गया है when two elements combine to form two or more chemical compounds, then the masses of one of the element which combines with the fixed mass of the other element bears a simple whole number ratio. Clear? तो उस लैंग्वेज में ना जाके इसे तीन सेंटेंस में अगर चेंज कर लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. पहले सेंटेंस, दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं. दूसरा, एक एलिमेंट का वेट फिक्स करो, चाहे 1 ग्राम चाहे कोई भी वैल्यू, तो दूसरे एलिमेंट की वैल्यू वेरिएबल आएगी और इन वेरिएबल वैल्यूज में भी क्या आएगा बेटा? सिंपल होल नंबर रेशियो. ठीक है, एक क्वेश्चन लिख के देख लेते हैं. ठीक है, अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और ये ऑक्साइड बना रहे हैं और इसमें बेटा अगर हम कहें कार्बन की परसेंटेज 42.9% एंड 27.3% है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन वन ऑफ द कंपाउंड इज 42.9 एंड इन अदर कंपाउंड इज
27.3%. प्रूफ दैट इट फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. वैसे तो एक सिंपल सी बात है, अगर कह दिया है कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और कार्बन का वेट वेरिएबल है तो ये इटसेल्फ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है. लेकिन इसे इलुस्ट्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है. कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा? लेट सपोज वी हैव 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड. तो 100 ग्राम में यहां 42 ग्राम कार्बन है. तो फर्स्ट केस में, इन केस फर्स्ट, वी हैव 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइनिंग विद बेटा 100 में से इसे माइनस कर लो तो 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आ गया. ठीक है, अब यहां 42.9 ग्राम कार्बन है, इतने ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ये आप वैल्यू निकाल लेंगे. 1 ग्राम कार्बन विल रिएक्ट विद दिस मच ग्राम ऑक्सीजन. 1 ग्राम किससे करेगा, फॉलोड बाय, ये एक वैल्यू आपकी आ गई कि 1 ग्राम ने कितने से किया. अब हमने सेकेंड केस लिया, केस टू. यहां 27.3 ग्राम कार्बन था तो वही लिखा 27.3 ग्राम कार्बन कंबाइनिंग विद 100 में से 27 घटा लीजिए दैट इज 72.7 है ना, इतने ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है. तो 1 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन से कर रहा है, 1 ग्राम कार्बन, दिस वन वैल्यू आ गई बेटा 27.3. ठीक है, तो दो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन. 1 ग्राम कार्बन हमने फिक्स किया, न्यूमेरिकल करने का तरीका, 1 ग्राम कार्बन फिक्स किया. ऑक्सीजन का वेट यहां और यहां निकालिए तो 57/42, अगर आप करके देखेंगे होपफुली ये 1.33 आ जाएगा और ये 2.66 आएगा. तो ये वेरिएबल वेट आ गए, इसके 1 ग्राम से 1.33 ग्राम ऑक्सीजन, इसके 1 ग्राम से 2.66 ग्राम ऑक्सीजन. अब ये 1.33 और 2.66 का रेशियो निकालो, ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा. तो न्यूमेरिकल की अप्रोच कैसे बनानी है बच्चों, आपको जो दो एलिमेंट दे रखे हैं उसमें से किसी एक एलिमेंट का वेट फिक्स कर दीजिए तो दूसरे एलिमेंट का जो वेट आएगा वो इस फिक्स के साथ वेरिएबल आएगा. अब न्यूमेरिकल करते समय ये जो वेरिएबल वैल्यूज आएंगी इन्हें आप जब डिवाइड करेंगे, रेशियो बनाएंगे, तो इट विल कम आउट टू बी सिंपल होल नंबर रेशियो. ठीक है, अब बच्चों इसका एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये आप लिख लीजिए और इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करके या इसका करेक्ट आंसर बताइए. ठीक है, लिखे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे. टू ऑक्साइड्स ऑफ ए मेटल कंटेन 27.2 ऑक्साइड्स ऑफ ए मेटल कंटेन्स 27.6% ऑन एंड 30% ऑफ ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली. टू ऑक्साइड्स ऑफ ए मेटल कंटेन्स 27.6% एंड 30% ऑफ ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली. ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ वन ऑक्साइड इज, द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज M3O4. गिव द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड ऑक्साइड. एक ऑक्साइड का फॉर्मूला है बेटा M3O4. अब बच्चों दूसरे ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए क्या आएगा. ठीक है, क्या आएगा दैट इज क्वाइट सिंपलर, लेकिन ये कैसे आया इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, कैसे आया ये बताना है. देखिए अलग अलग परसेंटेज है, एक का फॉर्मूला गिवन है, इसके दो मेथड करने के होते हैं. एक अभी आप स्टोशियोमेट्री या आगे जो पढ़ेंगे एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वहां से कर सकते हैं और एक सिंपल बेसिक लॉजिक जो आपने आज पढ़ा है उससे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. रिकैप करते हैं बच्चों, यहां तक बच्चों हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. जब एलिमेंट्स रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं तो वो क्या लॉ फॉलो करते हैं. तो पहला जो लॉ हमने पढ़ा था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास.
गिवन बाय पापा जी लेवोइसर। तो लेवोइसर ने ये कहा जितना मास क्रिएट करेगा उतना ही बनेगा। उसका मतलब था एटम्स जितने भी हैं वो कंजर्व हैं, जो भी मास है वो कंजर्व है, तो मास है एटम्स का, तो एटम्स कंजर्व है, और इसे हमने प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन भी कहा था। दूसरा लॉ दिया था हमारा प्राउड्स ने, सिंपल भाषा में पापा जी का लॉ क्या था, तो पाजी का लॉ सी इसका लॉ क्या था बेटा, डेफिनेटली प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन कहने का क्या मतलब है कि जब भी कोई एक प्योर कंपाउंड बनेगा, जैसे वाटर है, अब वो वाटर कहीं का भी हो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स है, ठीक। तीसरा लॉ आ गया मल्टीपल प्रोपोर्शन, डाल्डे का लॉ, डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन ने क्या कहा है, जब दो चीजें रिएक्ट करेंगी तो जरूरी नहीं है एक ही कंपाउंड बने, ठीक है। जैसे आजकल कोरोना है, लोग समझ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अधिकतर लोग बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी डिशेस बना के दिखा रहे हैं फेसबुक पे, इधर उधर अगर आपने देखा हो, तो उन्हें समझाओ भैया किराना नहीं खत्म करना, कोरोना खत्म करना। अब वो क्या दिखा रहे हैं कि सूजी से यही बन सकता है, वो भी बन सकता है, ये भी लॉ यही कह रहा है कि जब दो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो एक ही कंपाउंड बनेगा, ना ना एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं। बोलो क्लियर है बच्चों। चौथा लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लेकिन ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, इट इज एक्सक्लूडेड। और ये रिचर ने लॉ दिया है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसका लॉ एकदम सिंपल है कि अगर कोई एक एलिमेंट ए है, एक बी है, सी, अगर ये ए एलिमेंट इनसे अलग अलग रिएक्ट करता है, ए बी से भी रिएक्ट करता है और ए सी से भी रिएक्ट करता है, और ए का इक्वल मास ले लें, जैसे अगर इसके 5 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं इसके लेट सपोज 15 ग्राम से, और इसके लेट सपोज 2.5 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं इसके 45 ग्राम से, ठीक है। तो इस लॉ का कहना है कि ए के 5 ग्राम रिएक्ट किए, यहां पे भी 5 करो, पहले डबल कर लो, तो इसे भी डबल कर लो। अब जब ये 5 हो गया, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, ठीक। तो ये ए इसके 15 से कर रहा है, ए के 5 15 से बी से रिएक्ट कर रहे हैं, और ए के 5 90 ऑफ सी से रिएक्ट कर रहे हैं, 90 ग्राम ऑफ सी से। तो जब बी और सी आपस में रिएक्ट करेंगे तो गारंटेड या तो इसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे 15 और 90 के, या फिर वो जो जिस रेशियो में रिएक्ट करेंगे और इसका जो रेशियो है इसको जब आपस में रेशियो निकालेंगे तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। इज इट क्लियर? तो बड़ा लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश की है कि इसका रेशियो उसका रेशियो, हम सिंपल भाषा यूज करेंगे बच्चों। इसको ना हम सिंपली कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। एक इक्विवेलेंस का लॉ है जो हम इंडियंस बहुत अच्छी तरीके से करते हैं डेली लाइफ में, आपको मालूम है कैसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। सपोज आप एक कॉपी लेके आए, लेट सपोज रजिस्टर लेके आए, और वो रजिस्टर लेट सपोज 500 रुपए का है, सिंपल, ठीक है, ऑर्डिनरी रजिस्टर है 500 रुपए का। एक बच्चा एक पेन लेके आया है, इज इट क्लियर? वो जो पेन लेके आया है लेट सपोज वो एक पेन 100 रुपए का है, इज इट क्लियर? अब जो बच्चा पेन लेके आया था उसने रजिस्टर वाले बच्चे का रजिस्टर लिया, वेयर एंड टियर कर दिया, खो गया, फाड़ दिया, फेंक दिया। अब ये जो रजिस्टर वाला बच्चा है इसके पेन छीनना चाहता है, कितने पेन छीनेगा? इक्विवेलेंस करो, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस किसके हिसाब से हो रही है? अभी रुपए के हिसाब से। यहां 500 रुपए हैं तो यहां पे भी अगर 500 करने हों तो 5 पेन छीनेगा, इज इट क्लियर? तो यहां की जो इक्विवेलेंस है वो अभी मनी के टर्म्स में इक्विवेलेंस हो रही है। और बराबर मनी की वैल्यू की अगर बात करें, बराबर मनी मतलब 500, 500 की बात करें तो ये 1 आएगी क्वांटिटी, और 500 की बात करें तो ये क्वांटिटी 5 आएंगी। बोलो क्लियर है? तो मनी अगर बराबर है तो ये क्वांटिटी 1 और 5 आई, तो ये 1 और 5 में ही आपस में रिएक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ चुके हो कि दो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो या तो उसी रेशियो में, या एक का फिक्स और दूसरे का वेरिएबल, तो वही चीज यहां कही गई है, ये 1 और 5 में ही रिएक्ट करेंगे। ये होगी थ्योरी। अब जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 1 और 5 भी आ सकता है, 1 और 10 भी आ सकता है, 2 और 10 भी आ सकता है, समथिंग लाइक दिस।
तो थ्योरी वाला रेशियो और जो एक्सपेरिमेंट का रेशियो है, थ्योरी वाला 1 और 5 और जो एक्सपेरिमेंट का 1 और 5 है, इनका आपस में जब रेशियो निकालेंगे तो वो एक सिंपल रेशियो बनेगा। देखें बेटा क्या कह रहे हैं, यहां हमने लिया कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके बना दिया सपोज CO2। CO2 बन चुका है तो ये 12 ग्राम कार्बन है और ये 32 ग्राम ऑक्सीजन है। CH4 बन चुका है तो ये 12 ग्राम है और ये 4 ग्राम है। ठीक है, मैंने जानबूझ के इसको कॉमन लिया, दोनों ही 12 है, कोई चेंज नहीं करना। तो इसका फिक्स वेट हो गया, इन दोनों के वेरिएबल वेट हो गए। तो इनका पहले रेशियो निकाल लो, ये हो गया थियोरेटिकल रेशियो तुम्हारा। तो ये थियोरेटिकल रेशियो आ रहा है ऑक्सीजन रेशियो हाइड्रोजन 8:1 आया। डन। अब एक्सपेरिमेंट किया और इनको जब आपस में रिएक्ट किया, प्रैक्टिकल किया, तो एक कंपाउंड बना वाटर। उसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 8 है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 16 है, दैट इज 1:8। या ऑक्सीजन ऊपर लिखा है तो 8:1। तो ये वाले जब रेशियो हम निकालेंगे, दिस रेशियो, ये थियोरेटिकल और ये एक्सपेरिमेंटल, तो ये अगर आप डिवाइड करके देखो तो सेम रेशियो आ गया, दैट इज 1:1 आ गया। इज इट क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं। कोई भी तीन एलिमेंट जो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हो, उससे समझना है इस लॉ को। जैसे हमने ले लिया सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब की सपोज मैं हाइड्रोजन को कॉमन करने चाह रहा हूं। हाइड्रोजन और सल्फर जब रिएक्ट करते हैं तो H2S बनता है, तो 2 ग्राम इसके, 32 ग्राम इसके रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो ये 2 ग्राम है और ये 16, ये बेटा फिक्स आ गया। ठीक है, जब हाइड्रोजन फिक्स है तो सल्फर और ऑक्सीजन का जो वेट आ रहा है, सल्फर रेशियो ऑक्सीजन, ये आ रहा है बेटा 32:16, दैट इज 2:1। अब जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये बन गया SO2। SO3 भी बना सकते, अभी SO2। अब ये जब SO2 बना तो सल्फर का वेट आ रहा है 32, ऑक्सीजन का वेट भी आ रहा है 32, तो ये तो आ रहा है 1:1। तो थ्योरेटिकल रेशियो आया था 2:1, एक्सपेरिमेंटल रेशियो आया 1:1, अब आपस में रेशियो जो आ रहा है दैट इज 2:1 ही आ रहा है। तो एक सिंपल रेशियो आ गया। तो इसके 32 ग्राम SO2 में 32 से ही रिएक्ट किए, दिस वन, तो ये एक्सपेरिमेंटल हो गया, ये थ्योरेटिकल हो गया और सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लास्ट तो नहीं कहना चाहिए, नेक्स्ट लॉ इज गे-लुसेक्स लॉ। ये लॉ है गे-लुसेक्स लॉ, और ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ कंबाइनिंग ऑफ गैसेस। गैसेस के लिए ही दिया है गे-लुसेक्स ने ये लॉ। ठीक है बच्चों, ये लॉ क्या कह रहा है कि अगर H2 और Cl2 ये दोनों गैसेस रिएक्ट कर रही हैं और HCl गैस बन रही है, ठीक है, तो अगर इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करे तो इसके 2 वॉल्यूम बनेंगे, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो मेजरमेंट की कंडीशंस हैं, वो इन गैसेस के लिए क्या हो, सेम हो। तो 1 वॉल्यूम इसका 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, 2 वॉल्यूम बनेगा। 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर अगर ये है, ये भी 1 लीटर है, तो ये कितने लीटर बनेगा, 2 लीटर। क्लियर है? अब बच्चों प्रॉब्लम पता कहां आती है, मैंने जानबूझ के बैलेंसिंग 1:1:2 ले लिया, तो हमारे दिमाग में जो कैलकुलेशन चल रही है वो मास की चल रही है। मास की क्या, 1 ग्राम 1 ग्राम मिले 2 ग्राम, बात सही है। अब जब इस एग्जाम्पल को हटा के ये एग्जाम्पल लिखा जाएगा तो कई बच्चे गलती कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, और गे-लुसेक्स लॉ के हिसाब से अगर इसका 1 वॉल्यूम यानी 1 लीटर रिएक्ट कर रहा है, इसके 3 लीटर रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके 2 लीटर बनेंगे। इसके कितने लीटर बनेंगे, 2 लीटर, और
अब दिमाग में क्या आएगा, भाई क्या कह रहे हो, 1 लीटर इसके हैं, 3 लीटर इसके हैं, तो मिला के 4 लीटर आने चाहिए। ये उन बच्चों के दिमाग में 4 लीटर आ रहे हैं जो सिंपल लिक्विड को अपने दिमाग में ले रहे हैं कि एक ऐड किया दूसरा ऐड, ये किसके लिए है, गैसेस। बच्चों गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, गैस ऑक्युपाइज कंप्लीट कंटेनर, पूरे कंटेनर को ऑक्युपाई करती है, ठीक है। तो इसे समझने के लिए कि ये 1, 3, 2 क्या है, इसको हम दूसरी भाषा में अगर समझे, दैट इज इसको कहा जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। क्या मतलब है कि अगर अमोनिया के 2 लीटर बनाने हैं, अमोनिया 2 लीटर बनानी है, तो नाइट्रोजन का 1 लीटर और हाइड्रोजन के 3 लीटर रिएक्ट करेंगे और इन सब क्या टेम्परेचर प्रेशर मेजरमेंट्स सेम होनी चाहिए, क्लियर। तो उसी टेम्परेचर पे अगर 1 लीटर नाइट्रोजन और 3 लीटर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो 2 लीटर अमोनिया ही बनेगी, ठीक। अब वो बच्चे जो कह रहे हैं ऐड तो अभी भी नहीं समझ में आया, बेटा ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर अगर हमने हाइड्रोजन गैस ऐड की, ठीक है, एक कोई टेम्परेचर ले लिया 270 या 298 केल्विन, प्रेशर ले लिया 1 एटमॉस्फियर, ठीक है, जब इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर मेंटेन रखा और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हमने काउंट किए कितने आए, तो ये देखा एक्स मॉलिक्यूल्स इसमें आए थे। फिर हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन हटाई और नाइट्रोजन ऐड की और नाइट्रोजन ऐड करने पर भी इस कंडीशन पे इतने ही मॉलिक्यूल थे, नाइट्रोजन हटा के हमने अमोनिया ऐड की, अगर कंडीशन सेम रखेंगे तो मॉलिक्यूल इतने ही आएंगे। तो जो गैस का वॉल्यूम होता है वो बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर प्रेशर सारी चीजें सेम है तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने हैं, तो यहां 1 मॉलिक्यूल है, ये 3 मॉलिक्यूल है और ये कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, क्लियर। इसे अगले लॉ ने और ज्यादा क्लियर कर दिया था, दैट इज एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो अब आपको सिंपल लैंग्वेज में भी 11th स्टैंडर्ड की स्टार्टिंग में क्या याद रखना है, गेलुसेक्स लॉ में, अगर ये एक मीथेन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर रही है इस बैलेंसिंग में और बाद में CO2 गैस और वाटर बन रहा है, अगर वाटर लिक्विड बन रहा है तो ये लॉ यहां नहीं लगाना है, और वाटर भी उन्होंने गैसीय स्टेट में दे रखा है तो डेफिनेटली लगाएंगे। तो 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम से रिएक्ट करके 1 वॉल्यूम बनाएगा, व्हाट इज द मीनिंग, अगर उन्होंने कहा ये 20 ml रिएक्ट कर रहे हैं, बताओ इसके कितने ml रिएक्ट करेंगे, टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम है बच्चों तो गारंटेड 20 ml विल रिएक्ट विद, इस रेशियो में आ जाइए, 20 ml विल रिएक्ट विद 40 ml और 20 ml विल गिव 20 ml, इज इट क्लियर। तो गैसेस में अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम हो तो गे-लुसेक्स लॉ के हिसाब से जो उनकी स्टोशियोमीट्री है, बैलेंसिंग है, हम उसी रेशियो में वो लेंगे, जहां पे स्टोशियोमीट्रिक कोफिशियंट, ये कहलाता है स्टोशियोमीट्रिक कोफिशियंट, ये गिवन है तो वो ट्वाइस हो गया, जहां ये नहीं गिवन है तो वो अंडरस्टूड है 1 है। ये हम ऑर्गेनिक में भी एग्जाम्पल देंगे बेटा कि जहां जहां जो चीजों के पीछे कोफिशियंट नहीं लगा है, That is clearly understood 1 है। जैसे आपने कभी पापा से कहा हो, पापा जरा 1 लाख रुपए देना, तो शायद उन्होंने मुड़ के पूछा हो बेटा कितने लाख लेगा, ठीक है वो 1 लाख है, क्लियर है। सिंपल करिए, पेट्रोल पंप पे गए, आपने कहा 100 का तेल डालो, शायद उसने पूछा 100 कितने, 100 500 1000, तो 100 अगर कह रहे हैं तो इट इज क्लियर वो 1 है, ठीक है। जहां 2 और 3 होता है वहां बताना पड़ता, 200 का तेल डलवाना है तो 2 वर्ड बोलना पड़ेगा, और अगर 100 का बोलना है तो 1 नहीं बोलोगे चलेगा, ठीक है। कोई भी मूवी है उसका सीक्वल आया, ठीक है, पार्ट 2 बोलना पड़ेगा, और अगर मैंने पार्ट 2 नहीं बोला है तो इट इज अंडरस्टूड वो 1st है, इज इट क्लियर। तो जहां जहां पीछे कोफिशिएंट नहीं लगा है
अंडरस्टूड है बेटा, वो तो वन ही है। अब इस रेशियो को फॉलो करो, यहां क्यों नहीं कर रहे थे फॉलो, यहां पे भी बैलेंसिंग में टू आएगा लेकिन फॉलो नहीं करना, क्योंकि गे लुसेक्स लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लिक्विड और सॉलिड। तो हमारे जो लॉ हुए हैं, पहला डेफिनेट प्रोपोर्शन याद करने का तरीका, सॉरी पहला था कंजर्वेशन ऑफ मास, भैया कहां लगता है और कहां नहीं लगता ये याद करना, ठीक है, इसके क्या क्या, ये गुड। तो एक्सेप्शंस कह लीजिए, लिमिटेशंस कह लीजिए, वो है। फिर था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और अब हुआ आपका गे लुसेक्स लॉ। इसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई वॉल्यूम्स फॉर गैसेस ओनली, क्लियर। तो इन पांचों लॉ की पहले इन लॉज की प्रैक्टिस करिए।